हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आनंदी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज बात करने वाले हैं कि घंटों तक, लंबे समय तक, देर तक बिस्तर पे अपने पार्टनर के साथ कैसे टिके रहें, यानी कि अपने पार्टनर के साथ घंटों तक संभोग कैसे करें। इस टॉपिक पर हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि हमें अक्सर देखेंगे तो हर वीडियो के नीचे उनका कमेंट्स आता रहता है कि मैम, जो हमारी टाइमिंग है 2 मिनट है या 3 मिनट है या डालते ही गिर जाता है, 1 मिनट से भी कम है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग करते कैसे हैं, या तो डायरेक्ट डाल देते होंगे या फिर वो फोर प्लेस नहीं करते होंगे, या बहुत लोग हमसे ऐसा भी पूछते हैं कि मैं फोर प्ले क्या होता है, कैसे किया जाता है। जब तक फोर प्ले नहीं करते हैं तब तक मज़ा भी नहीं आएगा, जब तक फोर प्ले नहीं करेंगे तब तक आपकी जो पार्ट्स है उसमें जो लुब्रिकेट होता है वो लुब्रिकेट भी नहीं होगा। जब तक लुब्रिकेट ज़्यादा नहीं होता है तब तक आपकी टाइमिंग भी कम रहेगी, क्योंकि जब लुब्रिकेट होने लगते हैं तो करने का जो मज़ा है वो भी अलग हो जाता है, टाइमिंग भी बढ़ जाती है और आपका रोमांस भी बढ़ जाता है। सिर्फ 1 घंटे तक सिर्फ संभोग करना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि ये नामुमकिन है। जो लोग मतलब कि पावर बढ़ाने का, जो लोग रेगुलर इसका दवा इस्तेमाल करते हैं उनका भाई टाइमिंग तो ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा, लेकिन उसे करके आप दोनों कपल्स अपने टाइमिंग को भी 1 घंटे से ऊपर लेके जा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि जब आप दोनों कपल्स संभोग करने के लिए जब जाते हैं उस समय आप रोमांस करते होंगे, किस करते होंगे, फोरप्लेस करते होंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बहुत लोग 5 मिनट या 10 मिनट करते हैं। फिर उसके बाद आप अपना काम चालू कर देते हैं, काम चालू करते हैं कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट रहते हैं, फिर उसके बाद सब काम खत्म, टोटल मिला के 20 मिनट होता है। वही चीज़ अगर ज़्यादा समय 30 मिनट, 40 मिनट या 25 मिनट भी सिर्फ और सिर्फ फोरप्लेस पे अगर लगा दें तो आपकी टाइमिंग भी बढ़ सकती है। ना फोरप्लेस करिए कि आपके पार्टनर एकदम से तैयार हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात कि खान पान पर भी ज़्यादा फोकस करिए। आप नेचुरली चीज़ खाइए, जैसे कि दाल चावल, हरी साग सब्जियाँ खाइए, दूध पीजिए, अंडे खाइए, मांस मछली नहीं, जैसे कि मटन चिकन नहीं खाते तो मत खाइए, पनीर खा लीजिए, बटर खा लीजिए, दही खा लीजिए, सोयाबीन खाइए। इन सब चीज़ों में भी वो सारे प्रोटीन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके फुल बॉडी, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कि अगर मान लीजिए कि आपको जो इतना सारा फोरप्ले किसिंग करने के बाद अगर आप जैसे ही संभोग करने जा रहे हैं, अगर टच करते या डालते ही बहुत लोगों के ऐसी बीमारी या ऐसी मानसिक प्रॉब्लम होती है या फिर ऐसी कोई समस्या है जो कि छूते या टच करते उनका जो है अस्पर में गिर जाता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी विदाउट कंडोम का संभव नहीं करना चाहिए। रीज़न है कि ना तो आप सुख ले पाएंगे और ना ही अपने पार्टनर के मन को तृप्त कर पाएंगे, तो इसीलिए दोनों को इससे कोई शिकायत ना हो, आप कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। कंडोम लगा के संभोग करने के फायदे भी बहुत सारे हैं जो कि हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और बहुत लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि मैम, जब भी मैं कंडोम का इस्तेमाल करता हूँ संभोग करने के लिए तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप चम्मच से खाना खाइए चाहे हाथ से खाना खाइए, जाएगा तो आपके मुँह में ही ना, नाक में तो नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप हाथ से खा रहे हैं तो मुंह में डालेंगे, चम्मच से खाएंगे तो नाक में डालेंगे, डालना तो दोनों तरीके से आपको मुंह में ही है। तो आप कंडोम लगा के संभोग करिए चाहे विदाउट कंडोम के करिए, डालना तो आपको उसी चीज़ में है, तो आप बस इंजॉय करिए ना, आप इंजॉय करिए। आपको पेट भरने से मतलब है, आपको मज़े लेने से मतलब है, तो बस आप इंजॉय करिए, ठीक है। तो आपको इशारा ही काफ़ी है, अगर आप समझ गए होंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप इन सब चीज़ों का पालन करिए। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बता देती हूँ जो कि इससे आपके टाइमिंग बढ़ सकती है। अब हरा उड़द ले लीजिए 1 मुट्ठी की मात्रा में, और उसको रात में पीने वाले पानी में अच्छे से साफ करके भिगा दीजिए, आकर सुबह उसको छान दीजिए, एक कॉटन के कपड़े में बांध के रख दीजिए, यानी कि जब उसमें से अंकुरित जब निकलता है ना जो, तो उसी को आपको खाना है। ये आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो। दूसरी बात कि एक ही कंडोम 2 बार इस्तेमाल ना करें, एक बार लगा लिए काम हो गया, उसको तुरंत थैली में लपेट कर कचरे में डाल दें या उसको कचरे में फेंक दें। तो इस छोटी छोटी बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा करिए ताकि आपका जो आपके कपल्स हैं वो भी कम्फर्टेबल रहे, उसको भी करने में मज़ा आए, अच्छा लगे, उसको भी बोरिंग ना हो, इस बात का भी ध्यान दें।
तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टिप्स नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें हैप्पी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।